जिंदाबाद जिंदाबाद नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर, सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत, तमाम कायनात के लिए, हर शय के लिए अल्लाह ने जिनको रहमत बना के भेजा, नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ाते मुबारक है, तमाम कायनात के अल्लाह तबारक व ताला ने जितने भी लोगों को कायनात में भेजा है, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे आला और अरफा बना के भेजा। हमारा ये ईमान है कि मदीना मुनव्वरा में जिस मुकाम पर रोज़ाए अकदस है, जहां गुंबदे खिजरा बना हुआ है, जहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं, अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है वो। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को कायनात में सबसे आला मुकाम अता फरमाया है। आज पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बेचैन हैं, उनके दिलों को कुछ नापाक लोगों ने अपनी नापाक जुबान के जरिए तकलीफ पहुंचाई। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये कभी फ्रांस वाले, कभी जर्मन वाले, कभी हमारे मुल्क में जो कई शर पसंद हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों बोलते हैं? दुनिया में और भी तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? इनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज बिल्ला क्या तकलीफ है? नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी इंसान के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मजहब के खिलाफ कभी कोई गुफ्तगू नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मजहब की बुराई करने का हुक्म नहीं दिया। इस्लाम के मानने वालों ने पूरी दुनिया के लोगों को छाती से लगाया, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज बिल्ला तनकीद करते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना चाहते हैं। तो मैं उनको पहले यह बताना चाहता हूं कि आप चाहे तनकीद करते रहें, क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा कम नहीं हो सकता है। और अगर इतिहास उठा के देख लो, हम बड़े फखर से यह बात कहते हैं, इतिहास उठाओ, मक्के के अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तब मुखालफत की जब मेरे आका तन्हा थे। उनको कहना चाहता हूं जो हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह बुग्ज रखते हैं, करते रहो जो तुम्हारे बस में आता है।
आओ एक दफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख उठाकर देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतिहास उठाकर देखो। मक्के की रूए जमीन पर पैदा हुए, यतीम पैदा हुए, कुछ साजो सामान नहीं है, कोई बादशाही नहीं है, कोई दौलत के अंबार नहीं है, कोई बड़ी बरादरियां साथ में नहीं है, कोई साथ में बड़े बड़े लाहो लश्कर नहीं है, लेकिन रूए जमीन इस बात की गवाह है कि जिस मक्के में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई गई, आज वो मक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैतुल्लाह की अजमत के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन लोगों ने मिटाना चाहा था, आज दुनिया उनको नहीं जानती। दुनिया अगर किसी को जानती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानती है। मदीना मुनव्वरा के यशरब के यहूदियों ने जोर लगाया कि नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। कहां है यशरब के वो सारे दुश्मन? आई रूहे जमीन का मुसलमानों का सबसे मुकद्दस मुकाम जहां नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाते हैं वो मदीना मुनव्वरा है। नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ आज तक दुनिया में जिन लोगों ने साजिशें की हैं उनमें से कोई एक कामयाब तो दिखाओ भी, फलां कामयाब हुआ। कैसरो किसरा ने साजिश की वो नाकाम हुए, फ्रांस ने साजिश की वो नाकाम हुए, बर्तानिया ने साजिश की वो नाकाम हुए, परवेज ने साजिश की वो नाकाम हुए। कोई एक दिखाओ तो सही तारीख में कि फलां बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नऊज़ बिल्लाह जुबान दराजी की तो वह कामयाब हो गया। कामयाब इसलिए नहीं होता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ नऊज़ बिल्लाह बोलने वाला झूठ बोलता है, उसकी बातों में सच्चाई नहीं है, उसकी बातों में सिर्फ दुश्मनी है, बुग्ज है, कीना है, अदावत है मुसलमानों के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। रसूलुल्लाह से क्या तकलीफ है जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नऊज़ बिल्लाह कोई नुकसान किया नहीं किया। रसूलुल्लाह से किन लोगों को तकलीफ है दुनिया में? रसूलुल्लाह से कैसरो किसरा को तकलीफ थी, रसूलुल्लाह से पापा आजम को तकलीफ रही, रसूलुल्लाह से बर्तानिया के वजीर आजम को तकलीफ रही, रसूलुल्लाह से फ्रांस के वजीर आजम को तकलीफ रही। आज भी दुनिया में अलग अलग लोग हैं जो ताकतवर हैं और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज़ बिल्लाह तकलीफ है, वो पता तो लगे क्या तकलीफ है भाई। तुम्हारे घर गए कुछ कहने के लिए, तुम्हें कोई तुम्हारा नुकसान किया है? अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को तकलीफ है ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो दुनिया में बड़े इज्जतदार हैं और इज्जत हमारे घर में ही रहनी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए। ये अबू जहल की बोली बोलते हैं कि अकेला अबू जहल ही बैतुल्लाह में जा सकता है, बिलाल नहीं जा सकते। ये उतबा और वलीद की बोली बोलते हैं कि सिर्फ चौधरी ही जाएंगे, चौधरी ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। आओ दुनिया की तारीख उठाओ, ये अफ्रीका के दर्जनों मुल्क हैं, कौन सी लड़ाई करके हमने फतह किए हैं? मालदीव जैसे छोटे से टापू वहां हमने कौन सी जंग लड़ी है? इंडोनेशिया मलेशिया जैसे ताकतवर बड़े बड़े मुल्क वहां हमने कौन सी जाके जंग लड़ी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कर गए दुनिया में और वो क़यामत तक जारी रहेगा, दुनिया की सरकारें, दुनिया के कुत्ते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकना चाहते हैं ये गंदे इल्जाम तो ला सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा पैगाम नहीं ला सकते। क्या काम किया रसूलुल्लाह ने? मैं अर्ज ये कर रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही क्यों तकलीफ है? अरे रसूलुल्लाह से नहीं तकलीफ, दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से तकलीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से तकलीफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया उससे तकलीफ है। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? रसूलुल्लाह ने दुनिया को जब पैगाम दिया कि आओ अल्लाह की इबादत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना कायद मान लो, जब लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हम लब्बैक कहते हैं आपकी आवाज पर, जब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
जो लोग आज नौजबिल्ला हमारी माँ को, मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कि जो लोग नौजबिल्ला तनकीद करते हैं अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनु को, उनको हमारी पहली माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा क्या नजर नहीं आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाज डाला कि अगर कोई बेवा खातून हो तो उसको भी इज्जत की जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ना, अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, जितने बड़े बड़े सहाबी हैं उन्होंने जब कहा लब्बैक या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, जक़ात से पहले, शरीयत नाफिज करने से पहले जो बात दुनिया को कही, कौन सी बात? रसूलल्लाह जब आए बेटी को जमीन में जिंदा दफन करते थे पैदा होते ही। रसूलुल्लाह जब आए खानदानी लड़ाइयां सदियों से चल रही थी। रसूलुल्लाह जब आए पूरे गल्फ के अंदर गरीब आदमी को हक नहीं था कि वो सड़क पर चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए पूरे अफ्रीका के मुल्कों में गरीबों के पैरों में बेड़ियां डाल के मुंह उनके दाग के उनको मंडियों में जानवरों की तरह बेचा जाता था। रसूलुल्लाह जब आए पूरे यूरोप के अंदर खेत मजदूर को, गरीब आदमी को हक नहीं था कि अगर वो भूखा है और उसको खाना नहीं मिला तो अपने मालिक के खिलाफ शिकायत कर सके। रसूलुल्लाह जब आए एक कुएं से दो रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते थे। तकलीफ क्या है, मैं तकलीफ बताना चाहता हूं। आप विश्व का इतिहास उठाइए, रसूलुल्लाह जब आए इंसानों ने 2% इंसानों ने 98% इंसानों को गुलाम बना रखा था। चिट्टी चमड़ी वाले कहते थे काले को हक नहीं है। यह कमाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया ना जी, ये कमाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताजो, गनी एक हुए तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ये क्यों कहते हैं कि को गोरा और काला एक बराबर है। दुनिया को तकलीफ इस बात की है सरमायादारों को कि रसूलुल्लाह ये क्यों कहते हैं कि अमीर और गरीब एक सब में खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ने यह क्यों कहा कि काला हब्शी और गोरा अंग्रेज मुसलमान सके भाइयों की तरह है। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो उसको अपने भाइयों की तरह हक दे दो। दुनिया के पेट में दर्द यह है कि ये ऐसे रसूल आए कि इन्होंने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। इन्होंने बड़े बड़े तुर्रम खाओं की, जो अपने आप को कहते थे कि हम दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं करते थे, सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। अब जो इंसानों में बरादरीवाद के चाहवान हैं, जो इंसानों में अमीरी गरीबी के चाहवान हैं, जो इंसानों में ये चाहते हैं कि फर्क किया जाए, जो आज भी अमीर और गरीब का फर्क रखना चाहते हैं, जो आज भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, उनको अगर तकलीफ है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। कि उनको पता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी फिर मोहब्बत की बात होगी, फिर जोड़ने की बात होगी, फिर नफरत के खात्मे की बात होगी। इसलिए पूरी दुनिया में बार बार वो लोग, देखो हम कोई पूछने थोड़ी गए भाजपा की इस निष्कासित जो इनकी वो है स्पोक्समैन, उसको पूछने थोड़ी गए कि नऊज़ुबिल्लाह तू हमें बता कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, पूछने थोड़ी गए। उनके दिल में इस बात की नफरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा। इस्लाम ने किसी मजहब की बुराई करने का हुक्म नहीं दिया और ना मुसलमान क़यामत तक ऐसा करेंगे। हम तमाम बातें बर्दाश्त करते हैं, कोई मस्जिद की बात हो, नमाज की बात हो, कहीं रोजे पे तनकीद की बात हो, कहीं लिबास पे तनकीद की बात हो, कहीं दाढ़ी पे, हम तमाम बातें बर्दाश्त करते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वक्त है, सरकारें आती हैं चलती रहती हैं, अपने अपनी बातें करती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को एक बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद बता दी थी कि तमाम बातें बर्दाश्त हो सकती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में भी जिन सहाबा को दुश्मन ने पकड़ा उनको मुतअद्दिद मरतबा जुल्म करते हुए मारते हुए कहा कि नऊज़ुबिल्लाह बस इतना कह दो कि तुम्हारी जगह नऊज़ुबिल्लाह तुम्हारे नबी को ले आए, जबकि ला नहीं सकते।
सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया, फरमाया हम तो अपने ख्यालात में इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि तुम नऊज़ बिल्लाह ये कहो कि हम ये अपनी जुबान से ये बुरी बात कहते हैं कि हमारी जगह हमारे नबी को नऊज़ बिल्लाह पकड़ लाओ। पूरे मुल्क में आज मुसलमान बेचैन है, हुकूमत ने 10 दिन लगा दिए उनके ऊपर कार्रवाई करते 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 करते। मैं ये कहना चाहता हूं हुकूमत को कि जिस तरह और लोग इस मुल्क के बासी हैं, हम भी इसी मुल्क के बासी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। लोग इबादतगाहों में जाते हैं, किसी शराबी को आप पूछे कि शराब से कितना इश्क होता है, कभी किसी शराबी को पूछिएगा, अगर रात को 2 बजे 1 बजे भी एक शराबी दोस्त दूसरे को फोन करे ना फलां जगह चलना है पीने के लिए, तो वो उसी वक्त तैयार हो जाएगा। शराब की आदत ऐसी होती है कि बंदे को कहीं जाना पड़ जाए अगर शराब की दावत मिल जाए तो उसी वक्त तैयार हो जाता है। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा, उनको रोमियों ने जब लालच दी, जब रोम फतह कर रहे थे, उनको कहा कि तुम्हें इतनी दौलत देंगे, तुम्हारे तमाम सिपाहियों को इतने पैसे देंगे, वापस चले जाओ। उन्होंने खत के जवाब में लिखा था, क्योंकि रूमी भी बहुत शराब पीते थे ना, फरमाया जिस तरह तुमको शराब से मोहब्बत है, इस तरह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को अपनी मौत के साथ मोहब्बत होती है। देखो, डराया तो उसे जा सकता है ना जिसको जिंदगी अजीज हो। इस्लाम की 1400 साल तारीख कुर्बानियों से लबरेज, खौफ ज्यादा उनको किया जा सकता है जिनको अपनी जान अजीज हो बहुत। यहां तो हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में मुसलमान दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो। कल मैं सफर में था, मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे गैर मुस्लिम, मैं उनसे ये गुफ्तगू कर रहा था, मैं कहा लोग इबादत गाहों में जाके जिंदगी मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, तरक्की मांगते हैं, और मैंने कहा हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें कहा कि तुम इबादत के दौरान अपनी मौत को याद रखो कि जब मौत आए तो अच्छी हालत के अंदर आए, जब मौत याद रहेगी तो किसी से गुंडागर्दी नहीं करेंगे, अगर मौत का ख्याल दिल में आएगा तो किसी बहन बेटी की तरफ बुरा नहीं देखेंगे, अगर ये याद रहेगा कि कल को मरना है, अल्लाह के हुजूर जाना है, तो कोई बुराई नहीं करेंगे। तो जो भी इदारे बड़े, जो भी लोग ये समझते हैं, पहली बात तो ये कि शायद हमने ताकत के जरिए इनको खौफ ज़दा करना है, ताकत के जरिए इनको डराना है, तो ये वर्का तो इस किताब में से फाड़ दिया जाए कि जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, उनको खौफ ज़दा नहीं किया जा सकता, खौफ ज़दा नहीं किया जा सकता। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के झुरमट में फरमाया, भाई तुम्हें पता है कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे, आला मुसलमान कौन से होंगे? सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया वो तो अफजल हैं ही, वो तो अफजल हैं ही, अल्लाह ने उनको नबी बना के भेजा है। साहबा ने फिर हिम्मत की, फरमाया यार रसूलल्लाह हम लोग जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो फरमाया तुम तो अफजल हो ही, मेरे साहबी हो, मेरे साथ रहते हो, मैं तो ये पूछता हूं कि अफजल अच्छे आला मुसलमान कौन से होंगे। तो साहबा ने अर्ज किया यार रसूलल्लाह आप बजाते खुद बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरे सहाबा हमारे बाद, बहुत बाद, फिर उनके बाद जो लोग दुनिया में आएंगे, जो दुनिया में आएंगे जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होगा, हदीस का मफहूम है अबू बकर को नहीं देखा, उस्मान को नहीं देखा, हजरत मौला अली करमुल्ला वजू को नहीं देखा, सैयदना उमर बिन खत्ताब को नहीं देखा, अबू बैदा बिन जर्रा को नहीं देखा, सैयदना बिलाल को नहीं देखा। फरमाया मेरे साहबा बहुत बाद जो मुसलमान दुनिया में पैदा हुआ करेंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मक्का और मदीना मुनव्वरा भी अभी नहीं देखा होगा, लेकिन फरमाया उनको मुझसे इतना प्यार होगा कि मेरी इज्जत के लिए, मेरी नामूस के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया करेंगे। गुस्ताखी करने वालों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह हैं। अगर किसी को तादाद पे फख्र है तो ये फख्र सबसे बड़ा मुसलमानों के पास है कि ये सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह हैं।
कि अगर उनकी शान की बात आ जाए तो जहां से सूरज निकलता है, जहां से डूबता है, पूरी रूह जमीन पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के बाहर आते हैं। आज भी पूरी कायनात में जितने लोग बसते हैं, इनके अंदर अगर कोई सुप्रीम लीडर है तो मेरे रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज भी अगर कोई सुप्रीम लीडर है, 1450 साल के बाद भी, आज भी अगर किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में कारोबार छोड़े जा सकते हैं। डेनमार्क ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की थी तो मुतअद्दिद मुल्कों की एम्बेसियां तक बंद हुई। आज भी लोग हैरान होते हैं, ऐसा कोई दिखाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कायनात में। ऐसे अगर कोई हैं तो सिर्फ कौन है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को कि हम जो मुसलमान हैं, हमारे पास सारी चीजें पूरी नहीं है भाई। हमारी नमाज इतनी अच्छी नहीं है कि हम समझे इधर पढ़ी उधर कबूल हो गई। हमारे रोजे भी इतने आला क्वालिटी के नहीं होते कि इधर रखे उधर अल्लाह के हुजूर कबूल हो गए। हम जकात देते हैं, पता नहीं पूरी अदा हो पाती है कि नहीं हो पाती। दाढ़ी पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पूरी चलती है या नहीं चलती। अगर हम सुन्नतों पे आ जाएं, अगर इस्लाम के तरीके पे आ जाएं, तो हमारे पास सब कुछ पूरा नहीं है। हम खुद मानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमसे लग्जिशें होती रहती हैं। लेकिन इतनी खताओं और गलतियों के दरमियान अगर दुनिया का कोई बदतरीन दुश्मन यह समझता है कि वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज बिल्ला तनकीद करे और मुसलमान खामोश रहे, तो क्यामत आ सकती है। हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं इसके अलावा जी। हमें कब्र में अगर किसी का सहारा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। हम नमाज में अगर दुआ मांगते हैं, अल्लाह को बार बार अपने नबी का वसीला देते हैं, हम क्यामत के दिन अगर माफी के खास्तकार हैं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। हम अगर अल्लाह से सेहत मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा है ही कोई नहीं भाई। और तुम सोचते हो कि हमसे नऊज बिल्ला हमारे नबी की नामूस इज्जत छीन लोगे, तो अपने दिमाग से खाम ख्याली निकाल दो। पूरी दुनिया का कुफर भी अगर एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया का कुफर एक तरफ हो जाए, तो एक ईमान वाले के सिंगल ईमान वाले की रगों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम निकाल नहीं सकते। मैं बड़े बुजुर्गों की आज किस्से नहीं सुनाऊंगा, वक्त भी हो गया है, लेकिन एक बंदे का किस्सा मुझे याद आ गया, बहुत खूबसूरत वाक्य है, वो आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आज से 60-70-80 साल पहले जब नया सिस्टम शुरू हुआ, लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया, लोगों ने रशिया को पढ़ना शुरू किया, अमेरिका इंग्लैंड की अंग्रेजी की किताबें आने लगी, तो हर मजहब के लोग ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लगे। तो उस वक्त एक शायर था सागर खयामी, तो उस वक्त लेलन का दौर भी चल रहा था बीच में, हिटलर का दौर भी उसी दौर से गुजरा। तो उस दौर में जो नए नए लोग अंग्रेज बन रहे थे ना, अपनी गुफ्तगू में भी अंग्रेजी झाड़ते थे, बड़े बड़े जो प्रोफेसर पुराने दौर के होते थे, तो लाहौर में एक चाय, नए नए कॉफी स्टॉल शुरू हुए थे देश में, लाहौर टी स्टॉल बहुत मशहूर जगह थी, तो सारे बड़े बड़े प्रोफेसर वहीं बैठते थे आगे। तो केमिस्ट लोग जो थे, जो खुदा को ही नहीं मानते, और कम्युनिस्ट भी, मुसलमान भी, हिंदू भाई भी, सिख भाई, सब इकट्ठे बड़े प्रोफेसर बैठते थे। तो लाहौर का वाकया है कि एक टी स्टॉल पे चाय की महफिल रोज लगती थी, शराबी भी बीच में बैठे रहते थे, सब पी के आगे वहाँ बैठ गए, चाय पीने लगे। तो 5-7 लोग नशे में बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कम्युनिस्ट आदमी जो खुदा को नहीं मानते, उसने एक मुसलमान प्रोफेसर के साथ जो नशे में था उसके साथ गुफ्तगू शुरू की कि यार तुम्हारा इलम बहुत बढ़िया है। उसने फिर लेलन के बारे में गुफ्तगू की, तो उसने उसकी इतनी बुराई की उस मुसलमान ने कि वो प्रोफेसर बड़ा हैरान रह गया जो कम्युनिस्ट था। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर उससे रशिया के जार के बारे में बात की, उसने जार की भी सारी इतिहास खोल के उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। उसने फिर हिटलर की बात की,
तो क्योंकि जब मजलिस गर्म होती है, गर्म होते होते जोश खरोश में था, तो हिटलर की बात की, तो उसने हिटलर का भी पूरा इतिहास खोल के उसकी बुराइयां की। तो उस कम्युनिस्ट को ऐसा लगा कि जब दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बुराइयां कर रहा है, करते करते उस बंदे ने प्यारे नबी आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, उसका मतलब यह था कि अब ये पूरे जोश में है जिसका जिक्र कर रहा हूं, उसी के नऊज बिल्ला खिलाफ बोल रहा है, अब ये अपने इलम के गुरूर में है। और जब उसने नबी अलैहिस्सलाम का गुफ्तगू के अंदर जिक्र किया, तो सागर खयामी ने अपने सामने जो बोतल पड़ी हुई थी ना, वो उठाई और उस कम्युनिस्ट के सिर पे मारी, बोतल टूट गई और सागर रोने लगा। फरमाया, तुम क्या समझते हो कि मैं नशे की हालत में भी अपने आका के खिलाफ कुछ कह दूं? तुमने इतना बेगैरत समझा हमें? मैं बड़े बड़े वलियों का किस्सा नहीं सुना रहा हूं आज, एक शराबी मुसलमान का जिक्र। तुम समझते क्या हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेंगे तो कोई ईमान वाला खामोश रहेगा? हमारा सरमाया, हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जतें, हमारी औलादें, हमारी मसाजिद, हमारे मकातिब, तमाम चीजें कुर्बान है सैयदना आमना के लाल के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए वो बिल्कुल भी किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है। ये शान है उनकी और होनी भी चाहिए, ये शान उनकी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, होनी भी चाहिए। क्यों भाई, हमें देखो, हम कोई इज्जतों वाले लोग थोड़ी थे, ये हमारे सर पे इज्जत की पगड़ी रखी हुई है, हम मस्जिदों में बैठे हैं, लोग हमें अंसारी साहब, कुरैशी साहब, खान साहब, पता नहीं मलिक साहब, कौन कौन से साहब कहते हैं, ये हमारे, हमें इज्जत दी किसने भाई? बहुत सारे लोग हमें ताना मारते हैं, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। हाँ है, बताओ, क्या तुम पूरी फौज लगा के इन रगों में से मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क निकाल सकते हो? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें खरीदा है, आओ दिखाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें अपनी छाती से लगाया है। आज भी मस्जिद के अंदर जब नमाज होती है, तो अगर जिस मर्जी बरादरी का आदमी हो, अगर मुल्क का बादशाह जो मुसलमान हो, कोई गवर्नर हो, कोई शाही इमाम हो, कोई बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो, कोई बड़े से बड़ा मुतवल्ली हो, नमाज में अगर वो देर से आएगा तो मियां साहब वो पीछे जूतियों में नमाज पढ़ेगा। ये निजाम अगर किसी ने दिया तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। हम इंसानों का, हमें कहां इज्जत थी यार? हमें तो लोग कहते थे तुम ये पानी नहीं पी सकते, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते। लोगों ने जात और बरादरी के नाम पर हमें जिंदगियां तंग कर रखी थी पूरी दुनिया में। उठाओ पूरी दुनिया का इतिहास, ये जो गुलदस्ता बनाया पूरी कायनात में, ये जो हरम के अंदर हर मुल्क का बंदा जिसको एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं आती, सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से एक दूसरे से गले मिलता है, ये जो एक दूसरे को मुसलमान अपना भाई समझते हैं, ये जो हम पूरी दुनिया में मोहब्बतें बांट रहे हैं, ये जो हमें इज्जत अता फरमाई, ये सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। अब खुद ही बताओ ना, अगर दुनिया का भी हिसाब लगा लें तो बंदा जाता किधर है? जिधर से इज्जतें मिलती हैं उधर जाता है, कि जिधर इज्जत ना मिलती है उधर जाता है? इसलिए हमेशा याद रखें, हमारे पास कुछ हो या ना हो, एक मुसलमान, आज तारीखी बात आपको बता रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही थी, इस हदीस को बयान करने से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया था, लेकिन सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बागीचे में बैठे हैं तो सैयदना अबू हुरैरा साथ में बैठे हैं, बड़े इश्क से, मोहब्बत से अबू हुरैरा को कहा, अबू हुरैरा, जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, यानी अल्लाह को मान लिया और मुझे अल्लाह का रसूल मान लिया, फरमाया अबू हुरैरा वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, फरमाया या रसूलल्लाह लोगों को बताने जा रहा हूं, भागने लगे, फरमाया कोई सबूत ही नहीं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता उठा लिया जो सारी दुनिया के ताजों से भी अफजल है, फरमाया या रसूलल्लाह मैं जरा बाजार में ऐलान करके आऊं, भागे जा रहे थे, आगे ऐसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिल गए, पूछा क्या बात हुई, बड़ा खुश जा रहा है, मैं अल्लाह के नबी ने कह दिया जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया उसने जन्नत में जाना है, बस लोगों को बताने जा रहा हूँ, छाती पे हाथ रख के धक्का मारा। और फरमाया अगर ये बात सबको बता दी तो आधे नमाज पढ़ने से गुरेज करने लगेंगे। हमारे पास सरमाए में सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लोग कहते हैं आप इंतहा पसंद, अगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें कोई इंतहा पसंद कहता है तो भाई ठीक है, इंतहा पसंद है, सारी बातों में टॉलरेंस मंजूर है, सारी बातों में समझौता हो सकता है, लेकिन जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी क़यामत तक कोई ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के साथ समझौता कर ले। और हमारी तारीख उठा लो रसूलुल्लाह से लेके गाजी इल्मुद्दीन तक, हमारी तारीख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुर्बानियां देने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कुर्बानियां देने के लिए हमारी तारीख सुनहरी तारीख है, लबरेज है। मुसलमानों ने अपनी आला तारीख मुरतब की है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ भारत की सरकार से, अपने प्रधानमंत्री साहब से भी, कि जब आप ये बात कहते हैं कि इस मुल्क में तमाम लोगों का हक बराबर है, तो जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए हर कीमत पे। हम लोग अरबों पर नहीं इतराते। मीडिया को कहना चाहता हूँ, कई अनुपलेखा भी बाहर के मुल्कों में एहतजाज हुआ तो शायद मुसलमानों को कोई सपोर्ट मिल गई। नहीं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह शान की शान व अजमत के लिए हर जगह का एक एक ईमान वाला ही काफ़ी है, एक एक ईमान वाला ही काफ़ी है। ये निज़ाम हुकूमतों से नहीं चलता, ये निज़ाम इश्क से चलता है। और इश्क जो करता है उसे ही पता होता है कि इश्क का मुकाम क्या है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हमारे ईमान का अव्वलीन हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है जी? अव्वलीन हिस्सा है। लेकिन साथ में शुक्र की बात यह है कि वो कहा ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते थे, आज जेल नहीं भी आए जुमे में, कभी देखो आज बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये इस्लाम में खूबी है। और तुम याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वालों, तुम जितना बोलोगे इस्लाम को उतना ही फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान हो नहीं सकता। क़यामत तक इस्लाम का नुकसान नहीं हो सकता। ये इस्लाम के अंदर ये खूबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ये खूबी है। अगर नुकसान होता होना होता, नऊज़ बिल्लाह, अबू जहल मेरे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करता था, कहाँ है अबू जहल भाई? कैसरो किसरा कहाँ है? उतबा कहाँ है? वलीद कहाँ है? उमैया कहाँ है? अबू लहब कहाँ है? कोई नहीं। ये ताकत की बात नहीं है, ये इश्क की बात है, ये इश्क और मोहब्बत की बात है। और इंशाअल्लाह ताला हम सबका ईमान है कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। बस अब एक काम अपनी जिंदगी में ये जरूर करना है, जब कोई दुश्मन रसूलुल्लाह के खिलाफ बोले तो इतना जरूर याद रखना है कि हमारा किरदार अब वैसा होना चाहिए। करेंगे कुछ ऐसा इंशाअल्लाह। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक अब जिंदगी चलानी है, उनके मुताबिक सच बोलना है, उनके मुताबिक दूसरों की बेटियों को एहतराम देना है, उनके मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक पड़ोसियों को इज्जत देनी है, उनके मुताबिक माँ बाप का एहतराम करना है। दुनिया जो मर्जी करती रहे, आप ग्रास रूट पर इस्लाम को लेके चलते रहिए तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी नाकाम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।